भजन संहिता अध्याय 68। भजन संहिता अध्याय 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसा धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसा मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो, परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सिनै पर्वत परमेश्वर, हाँ इसराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए। तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड इसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़चालों के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के सरीखे होंगे जिसके पंख चांदी से और उसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो शलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है? वहां यहोवा सदा वास किए ही रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों से हजार है। प्रभु उनके बीच में है जैसे वह सिनै पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुवाई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भरे चोंडे पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पांव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। हे मेरे परमेश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डप बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इसराइल के सोते से निकले हुए लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। वहां उसका अध्यक्ष छोटा बन्यामीन है, वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचारों समेत है, वहां जुबलून और नप्ताली के भी हाकिम है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकंटों में रहने वाले बनेल पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से रईस आएंगे, कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इसराइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाशमंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इसराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है।